गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है फूड ग्रुप्स। इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। ये चैप्टर नंबर 3 है आपके कोर्स का और नाम है फूड ग्रुप्स। देखिए, हम लोग दिन भर में बहुत सारे तरह तरह के फूड आइटम्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत सारा ऑयल इनटेक करते हैं, अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स हमारे शरीर में जाते हैं, दाल, चावल, डिफरेंट तरीके के और सीरियल्स आप खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, मक्का खाते हैं, उसके अलावा अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, इसके अलावा ऑयल लेते हैं अपने खाने के साथ में, दही लेते हैं, मिल्क के सारे प्रोडक्ट लेते हैं, मीट के प्रोडक्ट लेते हैं जो लोग मीट खाते हैं, अलग अलग तरीके के आइटम्स हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। तो इन सारे टाइप ऑफ फूड्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है और इनको बांटने के दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि इनमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट वाइज देखें तो फंक्शन देख लेते हैं, हम न्यूट्रिएंट देख लेते हैं और उसके साथ कौन सा फूड लिया गया है ये देख लेते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन एनर्जी गिविंग। तो एनर्जी गिविंग में कौन कौन से तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं? एक तो एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया था कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा फैट, ये दोनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये दोनों हमें एनर्जी देते हैं। और ये दोनों किस में मिलते हैं? सीरियल्स में, फैट में और शुगर में। तो एनर्जी गिविंग अगर हम फंक्शन के आधार पर देखें तो एनर्जी गिविंग कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट, और ये हमें मिलते हैं सीरियल्स, फैट और शुगर में। दूसरा फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग कौन कराता है? बॉडी बिल्डिंग करने का सारा काम प्रोटीन के जिम्मे होता है। और प्रोटीन किस में सबसे ज्यादा होता है? प्रोटीन दालों में होता है, सारे नट्स में होता है, ये आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। तो ये पल्सेस हो गई यहां, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट हो गया, ये आपके प्रोटीन गिविंग फूड आइटम्स हो गए। इसके बाद तीसरा फंक्शन है रेगुलेटरी। अब पहले रेगुलेटरी का मतलब समझ लीजिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं जिनको काम को करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, प्रोटेक्शन। और ये कौन से हैं? ये हैं विटामिंस और मिनरल्स, ठीक है। और ये किसमें होता है? ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। तो ये आपके फंक्शंस के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स और फूड्स का बंटवारा था कि आप कौन सा फंक्शन कर रहा है, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है और कौन सा फूड इन्वॉल्व है। इसके बाद हम देखते हैं जो जनरल 5 फूड ग्रुप्स बनाए गए वो कौन कौन से हैं। तो ये 5 फूड ग्रुप आपके कोर्स में हैं, अकॉर्डिंग टू फूड आइटम जो आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग 5 फूड ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है सीरियल्स, पल्सेस एंड ग्रीन्स। दूसरा ग्रुप है आपका सीरियल्स एंड ग्रीन्स। दूसरा ग्रुप है पल्सेस
एंड लेग्यूम्स। तीसरा ग्रुप है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। चौथा ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और पांचवा ग्रुप है फैट एंड शुगर। अब आप सबको पता है कि सीरियल्स एंड पल्सेस आपको क्या दे रहे हैं, बल्क इन फूड दे रहे हैं। इसका मतलब यहां से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, यहां से आपको प्रोटीन मिल रहा है, यहां से भी आपको प्रोटीन मिल रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं, और फैट एंड शुगर से फिर आपको कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी मिल रही है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको अलग अलग ग्रुप वाले दे रहे हैं। अब जब भी आप अपना कोई भी भोजन, कोई भी खाना प्लान करते हैं, तो उस खाने को प्लान करते समय आप ये ध्यान रखते हैं कि इन पांचों फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ लिया गया हो। जब आप इन पांचों फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ आइटम लेकर के अपने खाने में जरूर जरूर रखते हैं, तो वो खाना आपके लिए क्या हो जाता है, बैलेंस डाइट हो जाती है। अभी हम बैलेंस डाइट को यहीं पर रोक रहे हैं, इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। अभी फिलहाल आपको दो तरीके से फूड ग्रुप्स मैंने आज बताए, एक न्यूट्रिएंट के बेसिस पे और एक फूड आइटम्स के बेसिस पे। इन दोनों को आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसको कीप ऑन रिवाइजिंग। ओके, थैंक यू बच्चों।